लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया अपनी धमाकेदार एंट्री को लेकर बेताब है। वहीं इस बेताबी के बीच बीएसपी और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे लोग भी एपीआई का दामन थामने बेताब दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर निरंतर यूपी की सियासत को समझने वाले कई लोग विजय मानकर से मिलने केंद्रीय सचिवालय नागपुर में पहुंच रहे हैं। बीते दिनों यूपी के फिरोजाबाद और आगरा के लोगों ने विजय मानकर से नागपुर पहुंचकर पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर भेंट की, जहां उन्हें पार्टी ज्वाइन कराकर संगठन विस्तार के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में एपीआई के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा था, लेकिन विचारधारा और नेतृत्व के संकट से जूझ रहे लोग एपीआई को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसे लेकर विजय मानकर ने स्वयं कहा था कि जब तक यूपी के लोग डिसाइड नहीं करेंगे वे यूपी के भीतर पार्टी संगठन का विस्तार नहीं करेंगे। परंतु लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी में जारी संकट को देखते हुए अब लोगों का रुझान एपीआई की ओर बढ़ रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विजय मानकर ने यूपी में एपीआई की धमाकेदार राजनीतिक एंट्री करने का विचार बनाया है। अब देखना होगा कि आखिरकार यूपी के लोग एपीआई के प्रति किस तरह की निष्ठा और नजीर पेश करते हैं। इंडिया में क्या करना है, ए टू जेड सारी बातें मुझे मालूम है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये मुझे मालूम है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत को बुद्धू लीडर्स की नहीं, अब इंटेलिजेंट लीडर्स की जरूरत है। ये मेरा मानना है कि भारत को बुद्धू लीडर्स की नहीं, भारत को इंटेलिजेंट और विजनरी लीडर्स की जरूरत है। वो इंटेलिजेंट और विजनरी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों से, मेरे भाइयों और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने मुझे यूपी का सेवा करने का मौका दिया तो मैं जरूर ये बीजेपी आरएसएस का जो ट्रैप है, जो मेंटल ट्रैप है, मेंटल ट्रैप है, माइंड गेम है, आपके माइंड को ट्रैप कर दिया है। आपको समझ नहीं रहा कि 1585 के फॉर्मूले में कैसा निकला जाए। मैं आपको इसमें से निकलने का रास्ता बताऊंगा और यूपी, ये उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश होगा। योगी जी उत्तर प्रदेश को आरएसएस बीजेपी उल्टा प्रदेश बनाना चाहती है। आरएसएस बीजेपी उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश बनाना चाहती है। मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही नहीं, प्रबुद्ध प्रदेश बनाऊंगा, प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, प्रबुद्ध प्रदेश और प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा। ये रास्ता मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं। यदि आप मुझे सेवा करने का मौका दे तो मैं ये काम उत्तर प्रदेश के लिए कर सकता हूं। लेकिन ये काम आप लोगों को सोचना है, आप लोग मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज मेरे पास पूरा इंडिया पड़ा हुआ है। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो मैं यूपी से चले जाऊंगा, यूपी आप लोग संभालिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तमिलनाडु चले जाऊंगा, केरला चले जाऊंगा, झारखंड चले जाऊंगा, राजस्थान गुजरात चले जाऊंगा, मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, जम्मू कश्मीर चले जाऊंगा। मेरे लिए पूरा देश मेरा अपना है, पूरे देश के लोग अपने हैं। तो यूपी के लोगों को यह सोचना है कि भारत का सबसे टैलेंटेड लीडर आपके आगे है, क्या उसके रास्ते से यूपी को चेंज करना है या आप अपने रास्ते से यूपी को चलाना है, ये फ्रीडम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।